नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इससे आज हमने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लिए है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, तो आंसर होगा डायगोनली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो आंसर होगा ड्रगल्स एंजल बर्ट ने। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा? पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है, तो इसका आंसर होगा माउस। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, तो आंसर होगा न्यूमेरिकल कीपैड से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा? आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले वाली इनपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा हमारा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजर प्रिंट में प्रयुक्त होता है, तो आंसर होगा सेमीकंडक्टर लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, तो इसका आंसर होगा प्रिंटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वेश्चन हमारा? प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, तो बारकोड्स कहते हैं। और उसके बाद में आगे के क्वेश्चन देखेंगे, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, तो इसका आंसर होगा प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा मॉडिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वेश्चन हमारा? बैंकों के चेक व ड्रॉप को में इनका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा माइकर। DPI दर्शाता है, तो आंसर होगा डॉट पर इंच। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्या है लेजर का आविष्कारक किया, तो इसका आंसर है थियोडोर मेनमन ने। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्या क्वेश्चन है हमारा? डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है, तो आंसर होगा लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है आगे का क्वेश्चन हमारा? मुद्रण को मापने वाले पैमाने DPI का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा डॉट्स पर इंच। थैंक यू।